आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है उसको हम डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड का वो एक एफ सी सी लैटिस है यानी कि फेस सेंटेड क्यूबिक लैटिस uh, है स्ट्रक्चर बनाता है सोडियम क्लोराइड और जब वो एफ सी सी बनाता है तो इसका मतलब यह है कि जो क्लोरिन आयंस हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं एट द फोर एफसी सी पोजिशन और जो सोडियम आयंस हैं वो लाई कर रहे हैं एट द फोर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के ऊपर और हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफ सी सी पोजिशन है और दे आर इंटरचेंजेबल यानी कि इसका मतलब ये है कि जो क्लोरिन को हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कहें कि क्लोरीन जो है वो ऑक्यूपाई हो रहा है फॉर ऑक्ट्रोहाइड्रोल वायड्स के ऊपर और जो सोडियम है वो ऑक्यूपाई हो रहा है एट द एफ सीसी पोजिशन के ऊपर इसके साथ साथ हम इसको इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को कि जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है इट कैन बी व्यूड एज टू इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी सब जो एक सब है वो बिलोंग करती है क्लोरीन आइन को जो कि ओरिजिन के ऊपर लाइक है रहा जीरो जीरो पे और जो दूसरी सब है वो बिलोंग करती है सोडियम आइन को जो कि रहा है एट वन बाई टू जीरो जीरो पोजिशन के ऊपर इसके अलावा हम इस स्ट्रक्चर को आ, बेसिस के टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो आ, सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसकी वो आ, उसकी जो बेस है यानी कि उसकी जो बेसिस है वो दो ऑइनस के ऊपर मुश्तमिल है एक सोडियम है आयन है और एक क्लोरीन आयन है और जो आ, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में से कोई एक ऑक्यूपाई कर रहा है एफसी पोजीशन को और जो दूसरा है वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टोहाइड्रोबाइड्स को सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और जो क्लोरीन आइन्स हैं जो कि वो ग्रेटर उनका साइज होता है एज कंपेयर टू सोडियम आइन्स तो इस वजह से यहाँ पे आ, जो ब्लू वन है वो क्लोरीन के लिए हम आ, 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 शो कर रहे हैं और जो रेड है वो हम आ, सोडियम आइंस के लिए शो कर रहे हैं ये एक मैंने क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्लोरीन के आयंस किन पोजीशंस के ऊपर होंगे और सोडियम के आयंस किन पोजीशंस के ऊपर होंगे तो क्लोरीन के आयंस जो हैं वो बेसिकली कॉर्नर्स के ऊपर होंगे ये सब एट कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर के ऊपर एक क्लोरिन का आयन होगा तो ये कॉर्नर्स के से हो गया अब इसके बाद हर फेस के मिडिल में एक क्लोरीन का आयन जो है वो लाइक कर ये बॉटम वाला फेस हो गया ये राइट right वन ये लेफ्ट वन और ये जो बैक साइड का फेस है उसके मिडिल में ये जो फ्रंट वाला फेस है उसके मिडिल में और फाइनली ये जो टॉप का फेस है उसके मिडिल में क्लोरीन के आयंस लाइक करेंगे इसके बाद हम अगर सोडियम के आयन्स को देखते हैं तो सोडियम के आयन्स जो हैं वो बेसिकली ऑक्टोहाइड्रोल व्हाइट के ऊपर लाइक करते हैं यानी कि जो हमारे पास एज लेंथ्स हैं ये जो हमारे पास एज लेंस है इसके मिडल में जो है वो क्लोर सोडियम के आयंस जो है वो लाई करेंगे सबसे पहले हम हर एज हर एज के मिडल में आप देखते जाए एक सोडियम का आयन जो है वो हम प्लेस करते जाते हैं इसके अलावा एक सोडियम का आयन जो है वो इसके दरमियान में यानी कि इस यूनिट सेल के दरमियान में लाई करेगा मिडल के अंदर वो ये वाला ऑइन हो गया अब इसके अलावा अगर हम इन सारी एच लेंस को जो मिडल में जो एच लेंस है जो सोडियम के ऑइंस जहां पे लाए करें उनको आपस में अगर लाइन्स के साथ ज्वाइन करना चाहें तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा ये एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं तो कि हमारे पास दो तो आयंस है एक हमारे पास क्लोरीन का आयन है और एक हमारे पास सोडियम का आयन है तो जो क्लोरीन का ऑन है है वो कॉर्नर्स और प्लस फेस के ऊपर रहे हैं तो कॉर्नर्स के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगी हर क्लोरीन आइन की वो वन बाय एट कॉन्ट्रीब्यूशन होगी तो एट हमारे पास कॉर्नर्स हो गए तो वन बाय प्लस फेस एक फेस से जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वो हाफ होगी की और फेस है तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वन प्लस थ्री इक्वल्स टू फोर सो फोर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इस केस में क्लोरीन ऑइन के होंगे सो क्लोरीन ऑइन जो है उसके फोर आ, आ, जो है क्लोरीन क्लोरीन लाइक करेंगे यानी कि फोर क्लोरिन पर यूनिट सेल होगा इसी तरह से हम सोडियम को देखते हैं सोडियम जो है चूंकि वो ऑक्टोहाइड्रेट पोजिशन के ऊपर लाइक कर रहा है और जो कि एच के, के मिडल में है और हमारे पास एक एच से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी वो वन बाय फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूशन है सो वन बाय फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूशन है कितने एच हमारे पास ट्वेल्व एचेज हैं सो वन बाय फोर टाइम्स ट्वेल्व तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री uh, uh, और फिर एक जो सोडियम का आयन है वो लाई कर रहा है मिडिल में उस यूनिट सेल के दरमियान में जो कि कंप्लीटली पूरा उसी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वन थ्री प्लस वन डेट विल बी विल्वल्स टू फोर तो फोर सोडियम के आयन्स होंगे सो फोर क्लोरीन के आयन्स और फोर सोडियम के आयन्स पर यूनिट सेल होगा या हम ये कहेंगे कि फोर एन ए सी एल स्ट्रक्चर यूनिट्स पर यूनिट सेल अब हम सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में जो पोजीशन ऑफ आयंस है, यानी कि क्लोरीन की और सोडियम की वो क्या होगी तो सबसे पहले हम क्लोरीन को देखते हैं तो जो क्लोरीन हैं वो चूंकि एक एफ सी सी लैटिस है हम ऑलरेडी फोर आइटम्स पर यूनिट सेल है पिछले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स एफ सी सी में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे तो क्लोरीन के कॉर्डिनेट्स जीरो 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 वन बाई टू वन बाई टू जीरो जीरो एंड वन बाई टू इसी तरह से जो सोडियम आयन है वो एज लेंथ के मिडिल में लाइक है यानी कि ऑक्टा कोऑर्डिनेटेड uh, है तो दैट विल बी 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1/2 एंड देन 1/2 1/2 1/2 जो कि बिल्कुल मिडल में लाई कर है सोडियम uh, का आयन uh, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि uh, मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हूं कि ये जो दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एंड ये जो है जेड एक्सिस है आप यानी कि इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूनिट सेल के ऊपर रखूं तो ये एक्स एक्सिस है ये जो अपर्ट जा रहा है दिस इज वाई और ये जो इस तरह से इनवर्ड है ये जेड एक्सिस है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर uh, एग्ज़ाम्पल मैं क्लोरिन को जीरो 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 कह रही हूँ तो ये क्लोरिन आइन यहाँ कर रहा है जिसपे एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है एंड जेड भी जीरो है उसके बाद सेकेंड वाले में देखूँ वन बाई टू वन बाई टू जीरो है तो एक्स एक्स के लांग मैंने हाफ मूव करना है यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो इसकी लेंथ है वो वन है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा वन बाई टू तो वो यहाँ पे आ जाएगी पोजीशन उसके बाद फिर हाफ मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करना है वाई एक्सिस को मैं डिफाइन कर रही हूँ अपवर्ड तो ऊपर की तरफ मैं हाफ गई तो मैं देख रही हूँ कि क्लोरिन आइन वहां पे कर रहा है क्योंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं है यानी कि उसका नहीं सो वन बाई टू वन बाई टू जीरो यहाँ पे क्लोरीन आयन जो है वो कर रहा है आप इसी तरह से बाकी भी चेक कर सकते हैं क्लोरिन आइन्स को और इस तरह से सोडियम आइन जैसे हाफ पहला हम देख लेते हैं वन बाई टू जीरो जीरो है तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वन बाई टू है ये वन बाई टू हो गया वाई के लॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं है अपवर्ड और जेड के लॉन्ग इनवर्ड भी कोई मूवमेंट नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे सोडियम आइन जो है वो अः uh, लाइकर है जो कि आप देख सकते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट uh, जो फाइनली एक और मैं पॉइंट बताना चाहूंगी वो ये कि इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है सोडियम क्लोराइड का वो सिक्स होता है उसको कैसे देख सकते हैं हम ये वाला सोडियम का आयन ले लेते हैं ये जो चूंकि कंप्लीटली इस यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि ये कितने नियरेस्ट नेबर कितने नियरेस्ट इसके नेबरिंग एटम्स हैं जिसको ये टच कर रहे हैं। तो ये एक ये यहाँ पे इसको टच करे क्लोरिन आयन को इस साइड से इसको टच कर रहे और फिर राइट साइड से इस क्लोरिन आयन को लेफ्ट साइड से इस क्लोरिन आयन को टॉप से इस वाले क्लोरिन आयन को और बॉटम से इस वाले क्लोरिन आयन को तो, तो, तो कितने इसके हो गए सिक्स हो गया तो इस सिक्स क्लोरिन आयन के साथ ये अटैच्ड इट मींस लाइक सिक्स Uh, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो ईच सोडियम आयन है वो ऑक्टोहाइड्रोलिक कोऑर्डिनेटेड है टू सिक्स क्लोरीन आयंस